और आप जब भी आए तो लास्ट स्टॉप पे उतरे, बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे। यहाँ से वॉकिंग से ओनली 2.5 किलोमीटर है। तो बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया और ये बस टर्मिनल। तो चलिए अब ग्रैब टैक्सी बुक करते हैं, होटल चलते हैं। दोस्तों जब आप अराइवल्स में आएंगे तो आपको एक स्टेप नीचे आना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आना है और गेट नंबर 8 से आपको बस मिल जाएगी। लिखा भी पटाया एयरपोर्ट टू पटाया। ये टाइप की बस है, बिगेस्ट वो इसको तानते हैं, चलते हैं, वही यहाँ से निकलते हैं। एरिया पे क्या जब वेट है और ये टेकन हो रहा है आपका। कुड यू गिव मी विंडो प्लीज? आ चुका भाई, थोड़ी बाय। रेट के पास ही आपको काउंटर मिलेगा। और ये देखिए बस टू पटाया, ये देखिए 140 पटाया। हाउ मच? 143 का टिकट। आई वांट वन टिकट। ब्लेंडिंग से भाई बहुत स्मूथ। ये देखिए ये भाई शुरू खड़ा है। विमान के द्वार पर कुछ ही देर में हमारा स्वागत हो जाएगा। वेलकम टू थाई स्माइल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और अभी हमें भाई कराबी के डोमेस्टिक डिपार्चर पर और हमारे होस्टल चेकआउट करके यहाँ आ चुके हैं। तो अर्ली मॉर्निंग चेकआउट कर लिया था और 7 बजे हमारी मिनी वैन थी। हम मिनी वैन से आए जो टोयोटा की आपने देखी 10 सीटर। 150 पर पर्सन वो चार्ज करती है भाई। एयरपोर्ट का आप होटल से पिक करेगी और आपको यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ देगी। तो 40 मिनट में उसने यहाँ छोड़ दिया भाई 150 बात में। यह भाई एंट्रेंस गेट नंबर 4 थाई एयरवेज की फ्लाइट होने वाली है। और ये फ्लाइट मैंने भाई काफी चीप रेट में बुक कर ली थी। मैंने इसको 3 महीने पहले ही बुक कर रखी थी। थाई एयरवेज की फ्लाइट है और फुल कॉस्ट कैरियर है थाई एयरवेज। 1950 में 20 किलो का चेक इन बैगेज भी इंक्लूड है। भाई ने दूसरे एयरलाइन सिर्फ 2000 रुपए चेक इन बैगेज के चार्ज कर लेती है। और हम जा रहे हैं बैंकॉक। इससे हमारी बैंकॉक की फ्लाइट और ये फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट की होने वाली है बैंकॉक। और फिर बैंकॉक से अपन चलेंगे पटाया। और ये देखिए डोमेस्टिक डिपार्चर, सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये है डोमेस्टिक डिपार्चर और ये वेटिंग हॉल पूरा। और किधर है भाई चेक इन काउंटर्स, उधर है। तो अभी थाई स्माइल की चेक इन चल रही है और अपनी फ्लाइट देखते हैं पहले थाई एयरवेज की किधर है भाई। थाई एयरवेज को थाई स्माइल ऑपरेट करती है। थाई एयरवेज और थाई स्माइल एक ही बात है। थाई स्माइल के काउंटर पे हमारा चेक इन होगा। ये देखिए ये सामने थाई एयर के चेक इन काउंटर। तो भाई आ चुके हैं। ओके थैंक यू। पासपोर्ट दे दें ना। वेट है भाई 19 kg। देखो 19 kg वेट है। और ये चेक इन हो रहा है अपना बस। कुड यू गिव मी विंडो सीट प्लीज? विंडो सीट? नो बैटरी इनसाइड। ये है भाई बैग और ये चेक इन। ये है चेक इन काउंटर। और हमने विंडो सीट मांगी है और विंडो सीट मिल चुकी है। शायद कंफर्म मिल गई विंडो सीट। ओके थैंक यू। तो आ चुका भाई बोर्डिंग। बाय। थैंक यू। यहाँ का स्टाफ काफी फ्रेंडली है। ये सिर्फ अपने वही भड़वई है। चेक इन काउंटर पे आप कैमरा नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते। और यहाँ देखिए सारे फ्रेंडली है। ये है बोर्डिंग पास गेट नंबर 4 और 50 है। ये देखिए इस तरह का है। तो 50 ये है मतलब विंडो सीट है अपने पास। और इस पर वही लॉन्च वॉन्च तो है नहीं, कुछ छोटा सा एयरपोर्ट है। इस पर कोई लॉन्च की फैसिलिटी नहीं, लेकिन अपने एप्लीकेशन पे एक बार वो ट्राई कर लेते हैं कभी कुछ लॉन्च हो। ये भाई यहाँ की प्रिंसेस काफी खाली है भाई। डोमेस्टिक पे इतना क्राउड नहीं है। थाई स्माइल का ये टिकट सेलिंग काउंटर है और आपको कुछ करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगी यहाँ पे। सारी कंपनियों के भाई टिकट सेलिंग काउंटर है यहाँ पे। देखिए सामने वो एयर एशिया का भी है, उसी के पास में मनी एक्सचेंज है। और ये थाई स्माइल का और थाई स्माइल के पास में लायन एयर का। और ये किसका है भाई? बैम्बू एयरवेज। वही अंदर आने से पहले एक बार यहाँ की चेकिंग होगी। और ये एरिया ये देखिए यहाँ से जिग जग आना पड़ेगा। और ये सामने सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के बाद मैं आपसे मिलता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पे कैमरा अलाउ नहीं है। भाई सिक्योरिटी चेक हो गया, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सिक्योरिटी चेक है और भाई काफी स्मूथ प्रोसेस, कुछ भी निकालना नहीं पड़ा। सिर्फ लैपटॉप आपको बाहर करना है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं निकालना है। भाई सारी हेजल इंडिया में है। सिक्योरिटी के लेकर बहुत हेजल है इंडिया में। सारी चीजें बाहर फेंकनी पड़ती है और पूरा मतलब बिस्तर पूरा फैल जाता है अपना, पूरी बिलोंगिंग। बस मुझे सबसे ज्यादा हेजल इंडिया में होती है भाई। पूरा सामान बिखेरने देते हैं पूरा। यहाँ कुछ भी बिखेरना नहीं पड़ता। सिंगापुर में भी नहीं, फिलीपींस में भी नहीं। बस अपने वही थोड़ा सही कर देना चाहिए, वही प्रोसीजर वाला। और ये देखिए ऑटोमेटिक गेट, और ये है भाई डिपार्चर हॉल, और अपना है गेट नंबर 4 वो रिया सामने। देखिए काफी अच्छा बना हुआ, नहीं सीट्स वगैरह अच्छी है, तो बढ़िया बना हुआ भाई। और काफी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही भाई, कल भी उठना पड़ा 6 बजे, 7 बजे हमें पिक करने आ गई थी बस, आज भी उठना पड़ा भाई 5 बजे, 6:30 बजे आ गई पिक करने। तो दोस्तों बोर्डिंग शुरू हो चुका है, चूंकि अपने गेट पे बिल्कुल काउंटर पे। अब मोहतरमा अपना बोर्डिंग कार्ड चेक करेंगे, थाई स्माइल की है हमारी एयरबस 320। आईडी कार्ड पासपोर्ट यहाँ चेक कराना है, बोर्ड लगा हुआ है। हेलो हेलो, ये बोर्डिंग कार्ड चेक हो रहा है, थैंक यू। ये आ गए भाई अंदर, ये आप मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ये है रनवे। तो चलते हैं फटाफट, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, वहीं से हमें बस मिल जाएगी पटाया के लिए। हेलो, चलिए देखो। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी मलेशिया वाले वीडियो में बताया, एसी बहुत तगड़ा चलाते हैं, ठंड लगती है यहाँ पे बैठे हो रहे हैं, क्या अच्छा खासा चलाते हैं एसी, पावरफुल। और 50 नंबर और जाम लगा हुआ मिलेगा आगे। हमारे को पहुंच चुके हैं विमान के द्वार पे, और कुछ ही देर में हमारा स्वागत हो जाएगा। और ये देखिए एयर होस्टेस की ड्रेस तो काफ़ी अच्छी है, देखिए ये है वही फर्स्ट व्यू। ओके, थैंक यू। ये है वही वेलकम, वेलकम टू थाई स्माइल, ये देखिए। और वही इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा है, देखिए है वही सीट। तो वही अपनी सीट पर आ चुके हैं, 50 नंबर विंडो सीट, और बाहर कल जैसी सीट। बहुत तेज बारिश हो रही है, हल्का जैसा दिन खराब हुआ ना, आज का भी दिन ऐसे ही खराब होता। कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। फ्लाइट का इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट काफ़ी अच्छी है अंदर से, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यह थाई स्माइल लिखा है, लेकिन पीछे साइन थाई एयरवेज का है। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. भाई इन फ्लाइट में ला चुकी है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया है इन्होंने। ये देखिए, ये भाई एक चिकन बर्गर है, चिकन सैंडविच ये सब तो आप, और एक टिशू है, इसमें टिशू पेपर है, और एक वाटर बॉटल शायद। ये देखिए, एक थाई स्माइल का पैकिंग है, थाई स्माइल की वाटर बॉटल ये है। ये सारी चीज़ें हैं। एक कॉफ़ी भी कॉम्प्लीमेंट्री है, आप चाहे तो ले सकते हैं, टी और कॉफ़ी और पानी भी आप और चाहे तो वो ले सकते हैं। भाई 1950 रुपये में और क्या चाहिए आप। 20 kg अपना चेक इन बैगेज भी आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल मील भी मिल गई। तो गुड है भाई, थाई एयरवेज गुड, थाई स्माइल। भाई लैंडिंग हो चुकी है अच्छे से, और निकल रहा है एयरक्राफ्ट से बाहर। काफ़ी स्मूथ लैंडिंग थी भाई, बहुत स्मूथ। ये देखिए, ये भाई क्रू खड़ा है सामने, बाय बाय। तो ये आ चुके हैं भाई बाहर। काफ़ी अच्छी सर्विस थी भाई थाई स्माइल की, कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल मील और चाय कॉफ़ी सब ऑफर कर रहे थे, अनलिमिटेड पानी। आप चाय कॉफ़ी भी जितनी लेना चाहे ले सकते हो। तो मैंने तो नहीं पी भाई, बैगेज क्लेम अभी है ना 300 मीटर दूर है यहाँ से, काफ़ी लंबा चौड़ा एयरपोर्ट है। ये देखिए, आप यहाँ आउटलेट्स में मिल जाएंगे। और ये देखिए सामने बैगेज क्लेम 320 मीटर्स, ये 7 रॉयल प्रोजेक्ट। ये सब पूरा फूड कोर्ट है भाई, सारे फूड मिल जाएंगे आपको। और ये फार्मेसी इस साइड, काफी अच्छा एयरपोर्ट है भाई। 300 मीटर चलते हैं भाई। ये अच्छा कर रखा है क्या भाई, बैगेज क्लेम पर जाने के लिए बीच में अच्छा ये लगा रखी है एक्सेलेटर, फटाफट पहुंच जाएंगे। देखो काफी सारे रेस्टोरेंट है, और ये इस तरह से इन्होंने बना रखा है, तो आप फटाफट 1 कदम आप चलो, 4 कदम ये ले जाएगा आपको आगे। तो फटाफट इससे अपना डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं अपन। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, और बस कैच करते हैं और निकलते हैं पटाया। ये अपना बैगेज, और इसको तानते हैं और चलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं। एरिया बैगेज अपना तो आ चुका है बैगेज। अब चलते हैं बस की तरफ और लेते हैं बस। तो दोस्तों जब आप अराइवल्स में आएंगे तो आपको एक स्टेप नीचे आना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आना है, और गेट नंबर 8 से आपको बस मिल जाएगी। अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं सिम कार्ड। अपन ने तो भाई पॉकेट से ले ली थी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आए गेट नंबर 8 के सामने आए, गेट नंबर 8 से आपको डायरेक्ट पटाया की बस मिलेगी। अब देखते हैं भाई, लास्ट टाइम आए थे जब तो 130 बात थे, अब कितने लगते हैं तो आपको बताता हूँ कितना चाय लगता है। ये गेट नंबर 8 के पास ही आपको एक काउंटर मिलेगा, और ये देखिए बस टू पटाया। ये देखिए 140 पटाया, हाउ मच 143। तो 143 का टिकट है। आई वांट वन टिकट। 143 बात का हो गया भाई, टिकट 13 बात बढ़ चुके हैं और ये मोहतरमा देंगे टिकट। तो भाई टिकट ले लिया, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे टिकट काउंटर हैं। प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी आपको। और ये देखिए ये है गेट नंबर 8, बिल्कुल गेट नंबर 8 के बाहर से आपको बस भी मिलेगी। तो अभी बाहर जाने का कोई मतलब नहीं, अभी टाइम हो रहा है भाई 11:15 और बस है 1 बजे। ये है गेट नंबर 8, आप देख पा रहे हैं ना। तो आप फ्लाइट से उतर के सीधा गेट नंबर 8 पर आ जाए, भले आप डोमेस्टिक फ्लाइट से आ रहे हो या डायरेक्ट इंडिया से यहाँ आ रहे हो। तो अगर आप स्वर्णभूमि पर उतर रहे हैं तो आपको बस वेरी इजिली मिल जाएगी। अगर आप डोंग म्यांग पे उतरेंगे ना तो वहाँ से भाई आपको पटाया के लिए बस नहीं मिलेगी, आपको या तो यहाँ आना पड़ेगा या इकामाई जाना पड़ेगा। इकामाई से फिर आपको पटाया की बस मिलेगी। तो आप हो सके तो ऐसी फ्लाइट लो जो यहाँ पे लैंड करे, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स टिकट ले लिए 143 बात के, जैसा मैंने आपको काउंटर में बता ही दिया। आप यहाँ गेट नंबर 8 से इसको बड़ा आराम से पकड़ सकते हैं। गेट नंबर 8 के बिल्कुल सामने ही बैठा हूँ मैं। तो गेट नंबर 8 सबसे लास्ट गेट है, आप सीधा गेट नंबर 8 पे आइए और अपने बस की टिकट लीजिए। और हमारा सीट नंबर 35। और अगर आप पटाया नहीं जा रहे हैं, आपको सिटी सेंटर जाना है, तो सिटी सेंटर जाने के लिए भी शेयर टैक्सीज हैं यहाँ पे, तो आप उस सिटी सेंटर भी जा सकते हैं। और फिक्स प्राइस वही 180 बात पर पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो आपको जरूरत नहीं है प्राइवेट टैक्सी हायर करने की, आप यहाँ से 180 बात में शटल लें और चले जाएं आराम जहाँ भी। और आपको आपके होटल पे ड्रॉप करेगा भाई, यहाँ से पिक करेगा और आपकी बिल्कुल आपकी होटल जहाँ भी होगी वो आपके होटल पे आपको ड्रॉप कर देगा। अधिकतर सुखमवीत एरिया में सारी टूरिस्ट होटल बुक करते हैं या खाउसान में, तो आपको डायरेक्ट आपके होटल पे ड्रॉप करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर आपको सिम कार्ड वगैरह भी बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। 2 5G नंबर, बहुत सारी कंपनीज है भाई। एक है नंबर 1 नेटवर्क ऑल इन द थाईलैंड। और वो सामने देख रहे हैं आप लाइन से, वो सारे बस काउंटर हैं। हर 1 घंटे में एक बस है। तो हमारी बस में भी टाइम है भाई, 1 बजे की बस है हमारी। तो अभी यहाँ बैठे हैं भाई, 12:25 हो चुका है। थोड़ी देर में बस पकड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं भाई कैसी है बस, फिर चलते हैं। बाहर बैठने का कोई फायदा नहीं, गर्मी लगी है इसलिए अंदर ही बैठे हैं, थोड़ी देर से चलेंगे। तो चलिए बने रहिए भाई और आपको पटाया तक की यात्रा दिखाते हैं और होटल में जाके इस ब्लॉग को खत्म करेंगे। तो भाई अपनी बस का टाइम हो चुका है और वो देखिए वो सामने खड़ी है बस। ये है गेट नंबर 8 और वो सामने खड़ी है बस, देख पा रहे होंगे आप, वो खड़ी है सामने। आपको बस यहाँ से ये रोड पार करके पार्किंग एरिया सीधा बस की तरफ चले जाना है। कोई हेजल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 143 बात में आप सीधा वॉकिंग स्ट्रीट पहुंच जाएंगे। लास्ट स्टॉप पे उतरिएगा आप। अगर आपका होटल वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास है तो लास्ट स्टॉप लेना है आपको, बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे उतरेंगे और फिर वहाँ से देखते हैं टैक्सी वैक्सी कर लेंगे, निकल जाएंगे वहाँ। वॉकिंग स्ट्रीट पे अपना होटल है। ये खड़ी है बस, देखिए इस पर लिखा भी पटाया एयरपोर्ट टू पटाया। ये देखिए इस टाइप की बस है, वो इससे चलेंगे भाई। तो ये बस पूरी एयर कंडीशन है, तो इसमें बैठकर लड़ाई ने भी ड्राइवर ने अलाउ नहीं कर रहा है अंदर, बोला अभी 15 मिनट है, 10 मिनट पहले एंट्री देगा। तो ये 5 मिनट यहाँ बैठना पड़ेगा। तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है ये, तो यहाँ बैठते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ आपको आपका लगेज देना पड़ेगा और इस तरह का स्टिकर लग जाएगा। देखिए आपके लगेज पे ये इस तरह का स्टिकर लग जाएगा, फिर दे दीजिए। और इसके अलावा 20 किलो के अलावा आपका अगर एडिशनल बैग है तो उसके 20 बात लगेंगे भाई। जैसे मेरे को ये वाला बैग चेक इन में डालना है तो 20 बात लगेंगे, लेकिन मैं इसको लेके जा रही हूँ अपने उसमें ही लेके बैठेंगे। चलते हैं बस के अंदर और आपको दिखाते हैं। सीट नंबर 35। ये मोहतरमा भाई सीट टिकट चेक कराना है। तो भाई चलते हैं, मोहतरमा ने बोल दिया 32 पे बैठते हैं जाके। हाँ हाँ बढ़िया ऐसी चल रही है। ये है भाई बस का इंटरफेस, देखो आप। तो भाई बैठ चुके हैं बस में और विंडो सीट अपन ने उनसे डिमांड की थी तो विंडो सीट अपने को मिल गई है। और है वही लास्ट सीट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे बहुत स्पेस है। लेग स्पेस भी काफ़ी, देखिए बताता हूँ आपको लेग स्पेस। ये देखिए, ये देखिए। तो भाई करीब करीब 1 फीट का लेग स्पेस है, अच्छा खासा लेग स्पेस है। और देखिए बाहर एयरपोर्ट पार्किंग वगैरह। बस अब बस चलती है और हार्डली 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे पटाया। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं बस टर्मिनल 6 बस टर्मिनल है और यहाँ से हमारा होटल 2.2 किलोमीटर बता रहा बस यहाँ से। और आप जब भी आए तो लास्ट स्टॉप पे उतरे, बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे। यहाँ से वॉकिंग से ओनली 2.5 किलोमीटर है। बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया और ये है बस टर्मिनल। तो चलिए अब ग्रैब टैक्सी बुक करते हैं, होटल चलते हैं। बताता हूँ आपको भाई ग्रैब टैक्सी कितना ले रही है। सिर्फ 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो बने रही है। ये अपने को टैक्सी मिल गई है ओनली 70 बात में 69। ये है ड्राइवर भाई। हेलो हेलो वाटी खाप, वाटी खाप थाईलैंड में बोलते हैं। थाईलैंड एंड वी से नमस्ते और नमस्ते या नमस्ते नमस्ते। वही अच्छे ड्राइवर है और सिर्फ ओनली 3 किलोमीटर, 2.7 किलोमीटर है, 2.07 यू टर्न मार के ही तो 2.7 हो गया। पैदल जाते हैं 2.3 था बस। और भाई 70 वाट में कोई बुरी नहीं है, 70 वाट में पहुँच जाएंगे बस बड़ा आराम से। तो चलो बने रहिए। चलिए आपको होटल पे वॉकिंग स्ट्रीट दिन में कैसी दिखती है थोड़ी सी झलक देखते हैं, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट भी अपना होटल है। तो भाई पहुंच चुके हैं और ये है पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट और एरिया। सामने भाई अपना वॉकिंग स्ट्रीट गेस्ट हाउस। ये देखिए सामने ये है वॉकिंग स्ट्रीट गेस्ट हाउस में हमने हमारी बुकिंग की है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई आखिरकार अपने रूम में पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा रूम है, आपको एक कंप्लीट टूर दूंगा मैं इसका। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये बिल्कुल ऑन द वॉकिंग स्ट्रीट है। देखिए ये बालकनी में बाहर आए, ये देखिए पूरी बाहर, ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है। तो पूरी वॉकिंग स्ट्रीट ही आपको मिल जाएगी। बस अपने होटल से निकले और वॉकिंग स्ट्रीट पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम पड़ा है। वॉकिंग स्ट्रीट बीच रोड पे निकलता है और यहाँ से अकेले जाएंगे 500 मीटर तो बीच रोड पे आ जाएगा। तो भाई आज दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस। तो ये वीडियो करते हैं खत्म। तो भाई कमेंट्स करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन के बटन को बताइए ताकि सारे वीडियो से नोटिफिकेशन आपको समय में मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।